नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को प्रयागराज ले गई पुलिस। माफिया अतीक के भाई अशरफ को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज ले गई। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ की अतीक अहमद के साथ प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। मामले की जाँच कर रही SIT के अनुसार उमेश पाल की हत्या की साजिश जिला जेल बरेली में 11 फरवरी को अतीक और अशरफ ने बनाई थी। उधर अशरफ को प्रयागराज ले जाते समय पुलिस की वैन रायबरेली टोल प्लाजा के पास खराब हो गई। इससे हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस कर्मियों ने धक्का लगाकर वैन को चालू करने का प्रयास करा। करीब 10 मिनट बाद वैन स्टार्ट हो गई, तब पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। रामपुर की सवार सीट पर उपचुनाव को लेकर ADG ने करी बैठक। ADG बरेली जोन PC मीना ने मुरादाबाद रेंज के IG सलभ माथुर के साथ रामपुर की सवार सीट पर आगामी 10 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर पुलिस महकमे की बैठक ली। इसमें ADG ने चुनाव आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। उपचुनाव को लेकर होने वाली रैलियों व जनसभाओं में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा व मतदान केंद्रों की ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया मंथन। जिला कांग्रेस कमेटी ने श्यामदगंज चौराहा स्थित कार्यालय पर बुधवार को निकाय चुनाव को लेकर मंथन करा। जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव में जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ेगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार से जनता परेशान है और परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। प्रेमी के घर तमंचा लेकर पहुंचा युवक। सिरौली थाना क्षेत्र में नवाबपुरा निवासी एक युवक गांव की ही युवती से एक तरफा प्यार करता था। उसने 3 दिन पहले सारी हदें पार कर दी। वह तमंचा लेकर युवती के घर में घुस गया। इससे पहले परिजन उसे पकड़ते वह फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने नवाबपुरा पुलिस चौकी में तहरीर दी है। CCTV में कैद हुई कार चोरी की वारदात। थाना सीबीगंज क्षेत्र के वेस्टर्न कॉलोनी निवासी दुर्गेश कुमार झा शिक्षक हैं। उन्होंने बीसलपुर रोड निवासी दोस्त सैयद मोहम्मद उवैस अली को जरूरत पड़ने पर अपनी कार दी थी। मंगलवार रात उनकी कार को चोर दोस्त के दरवाजे से उठा ले गए। घटना CCTV में कैद हो गई है। दुर्गेश ने चोरों के खिलाफ थाना बारादरी में तहरीर दी है। पुलिस CCTV फुटेज के अनुसार चोरों की तलाश में जुटी है। फिलहाल आज की बरेली की खबरों में इतना ही। ऐसी ही अन अपडेट पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।